डायरेक्टर सुभाष घई को शोमैन ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, पर ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें आउटसाइडर बुलाकर चिढ़ाया भी गया था और एक टाइम पर तो उन्हें स्टूडियो के अंदर एंट्री भी नहीं दी गई थी क्योंकि उस वक्त उन्हें कोई जानता ही नहीं था। तब तो वो FTII करके मुंबई आए थे, उन्होंने एक टैलेंट कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था जिसमें 5,000 लोग शामिल थे, उसमें से सिर्फ 3 लोग चुने जाने वाले थे और उनमें से एक नाम था सुभाष घई का। उस टाइम पर वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर लोगों को कैसे जीता जाए, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए ये सीखते थे ताकि वो इंडस्ट्री में एंट्री ले सके। उस वक्त उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वो ऐसे सितारे खड़े करेंगे, ऐसी फिल्में बनाकर जिसका नाम लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। जब उन्होंने जैकी श्रॉफ को एक बड़ा स्टार बनाया तब अमिताभ बच्चन भी कहीं ना कहीं डर गए होंगे। यही बात उन्होंने अनिल कपूर के साथ भी की और फिर खलनायक फिल्म से संजू जैसा खलनायक भी दिया। दोस्तों, डायरेक्टर सुभाष घई ने लॉकडाउन के वक्त खलनायक 2 के स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। उनके हिसाब से लॉकडाउन एक बेस्ट पीरियड था जबकि वो अच्छे से काम कर सकते थे। ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए वो स्क्रिप्ट को लेकर कुछ बातें भी शेयर किया करते थे। उसके बाद सुनने को मिला कि अगर लॉकडाउन या फिर कोविड बहुत ज़्यादा चलता रहता और अगर सुभाष घई को संजय दत्त के साथ खलनायक क्यों बनानी पड़ती या फिर फिल्म का काम आधा अधूरा रह चुका होता तो फिर वो फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि 6 घंटे की डिजिटल सीरीज के जरिए रिलीज करते, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म उस वक्त काफी ट्रेंड कर रहा था तो वैसे भी प्रॉफिट तो होने ही वाला था, तो उस वक्त OTT एक बेस्ट ऑप्शन था। वैसे अब इस सब की जरूरत तो है ही नहीं क्योंकि खलनायक 2 आराम से बनेगी और थिएटर में रिलीज होगी। जब डायरेक्टर सुभाष घई ने हिंदी भाषा में खलनायक फिल्म बनाने का फैसला किया तो वो बहुत खुश थे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि कभी संजय दत्त की वजह से या किसी गाने की वजह से उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ेगा। संजय को 1993 में जब अरेस्ट किया गया था तब घई का कहना था कि वो जानते थे कि संजय इनोसेंट है, उन्होंने संजय को बचपन से देखा है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। संजय की वजह से वैसे भी फिल्म तो लाइमलाइट में थी ही, तो प्रमोशन की भाई जरूरत ही क्या थी। ऊपर से चोली के पीछे गाना जो असल में फिल्म में नहीं था उसने भी फंसा दिया था। वैसे खलनायक 2 के टाइम घई को किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी का डर नहीं है क्योंकि आज तो कॉन्ट्रोवर्सी नाम का मसाला चाहिए ही चाहिए फिल्म को टेस्टी बनाने के लिए, पर 90s के जमाने में कॉन्ट्रोवर्सी मतलब 440 वोल्ट का झटका था। तो दोस्तों, आप खलनायक 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।